Nest School System, Online Classes Session. Dear student, let's start today's lecture. Bismillahirrahmanirrahim, class 4. Assalamu alaikum students. I hope all of you are safe and healthy at your homes. Students, I know you are missing your school and your classroom friends. So don't be panic and stay calm. Have patience. That you are safe only at homes. So don't be panic, don't worry. We will meet again inshallah and continue our studies properly. Now, I will tell you to take healthy diet and balanced diet so that you will be able to do your activities better and properly. So pray for yourself and your family. God bless you, students. Now come to your lecture. This is lecture number 2 of English. Now open your pen and chapter number 1. We have already done the reading of 4 lines. Now we will do the reading of 5 to 9 lines. 5 to 9 lines. Their related word meanings, dictation words, sentences and question number 5 to 9 from this paragraph. 5 to 9 lines. Let's start now. Students, as you know, in this story, this story is about some pigeons, mother pigeon and her baby pigeon. She's advising some मदर पिजन अपने बेबी पिजन से इस स्टोरी में कुछ बातें कहती है और उसको कुछ करने से मना करती है और कुछ बातें करने से रोकती है, कुछ एडवाइस करती है, कुछ नसीहत करती है. तो हमने पढ़ा था कि रफल्स ने अपनी मदर से पूछा कि दूसरे पिजन्स के बारे में पूछा, तो उसकी मदर ने उसे कहा कि तुम किसी की तरफ ध्यान ना देना, सिर्फ तुम रेसिंग पिजन हो और तुम सिर्फ रेसिंग पिजन्स ही सबसे बेहतरीन पिजन होते हैं, तो तुम किसी की तरफ ना ध्यान देना. लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग. देयर आर टम्बलर पिजन्स, फैन टेल्स, पॉटर्स एंड रेसिंग पिजन. देयर आर 4 काइंड ऑफ पिजन्स, ही सेड. उसने कहा कि 4 तरह की पिजन्स होते हैं, 4 तरह के कबूतर होते हैं. देयर आर टम्बलर पिजन, दीज आर देयर 4 काइंड्स. You should learn their names. This would be your answer of your question. Tumbler pigeons, fan tails, potters and racing. Tell me which 4 are different kinds of the pigeons. These are tumbler, fan tails, potters and racing. Take no notice of the tumblers. Tumblers की तरफ कोई तवज्जो या ध्यान ना देना. The fantails की तरफ भी नहीं. And the potters और potters की तरफ. ये बात कौन कहती है? Ruffles mother told him one day. एक दिन Ruffles की मदर ने उसके पास बैठ के उसको समझाया, उसको बताया कि तुमने tumblers, fantails और potter किसी की तरफ कोई ध्यान नहीं देना. किसी की तरफ कोई ध्यान नहीं देना. जैसे आपकी मदर आपको समझाती हैं कि जो है बैड बॉयज़ के साथ आपने नहीं बात करनी, नहीं भिड़ना, नहीं उनके साथ बोलना, उनकी जो है ना वो बैड हैबिट्स को आपने नहीं अपने अंदर लेकर आना. तो इस तरह से पिजन की जो मदर है उसने उसको समझाया कि तुमने किसी का ध्यान नहीं देना, टम्बलर्स का, फैंटेल्स का और पोटर्स का भी नहीं. ओके, अंडरस्टैंड क्लास. दे वर सिटिंग, वो बैठे हुए थे इनसाइड द लोफ्ट, लोफ्ट के अंदर की तरफ. इनसाइड मीन अंदर की तरफ. बाय द विंडो, विंडो के साथ, खिड़की के साथ वो बैठे हुए थे. देखिए आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है कि खिड़की के साथ वो बैठे हुए हैं किधर, अपने लोफ्ट के अंदर, अपने कबूतर खाने के अंदर या अपने घर के अंदर.
देयर इज ओनली वन इम्पॉर्टेंट काइंड ऑफ पिजन। पिजन की सिर्फ एक ही अच्छी अहम और ज़रूरी जो है वो काइंड है, किस्म है, यानी कि उसकी मदर उसको क्या समझाती है कि ना तो टम्बलर्स के साथ, ना फैंटेल्स के साथ, ना पॉटर के साथ तुमने कोई अपना ताल्लुक नहीं रखना, या तुमने उनके साथ कोई तवज्जो नहीं देनी उनकी तरफ, बल्कि क्या करना है, सिर्फ एक ही अच्छी और एक ही अहम तरह के एक उनकी किस्म है कबूतरों की। शी सेड, उसने कहा, दैट इज़ आ रेसिंग पिजन। अब आपको पता चला कि उसकी मामा ने उसे क्या कहा, उसकी मदर ने उसे क्या कहा था। उसकी मदर ने, पिजन की मदर ने उसे समझाया था कि सिर्फ और सिर्फ रेसिंग पिजन ही सबसे बेहतरीन किस्म के पिजन हैं, जो कि वो हैं, यानी कि जो उनकी किस्म है, बस वही सबसे अच्छे हैं, बाकी किसी की तरफ तुमने ध्यान नहीं देना। चलिए जी, टेल मी सम क्वेश्चंस एंड गिव योर आंसर्स। विच फोर काइंड्स आर देयर टोल्ड इन द स्टोरी अबाउट द पिजन्स? पिजन्स की कौन सी फोर काइंड्स स्टोरी में आपको बताई गई हैं? यस, दे आर फैंटेल्स, पॉटर्स, रेसिंग एंड टम्बलर। ओके, हु टोल्ड हिम अबाउट द अदर पिजन्स? हु टोल्ड रफल्स? हर मदर। यस, Where were they sitting? They were sitting by the window inside the loft. Which one is the important kind of pigeons? You should write your answers yourself. आप खुद questions के answer दे सकते हैं, आपने reading properly सुनी है, आप इसको again and again सुन सकते हैं और समझने के बाद आप इसके answer खुद create करेंगे, खुद लिखेंगे। Mention the date here. We have done the reading of 5 to 9 lines today. Now come to your copy work. And these are your 10 dictation words you have to do in your copy. Mothers will dictate these words. And then also give marking to them. These are the word meanings. Mention the date and day according to your diary work. Do numbering very neatly. These are the word meanings. Let's read it. Take, lena, told bataya, important, ahem, zaruri, only, sirf, kind, kism, रेसिंग, दौड़ लगाने वाले या तेज उड़ने वाले। वी हैव डन द 10 वर्ड मीनिंग्स ऑलरेडी, नाउ वी विल डू 11 to 16 वर्ड मीनिंग्स ऑन योर कॉपी। नेक्स्ट वी विल डू द डिक्टेशन वर्ड्स ऑफ द मेंशन्ड वर्ड्स ऑन योर बुक। Do numbering very neatly and do the dictation words here. Below the dictation words, there are word sentences. Make the sentences very properly. This is also included in your homework, dictation words, sentences, word meanings. And now come to the question answers. Now answer these questions. What are the four kinds of pigeons we have read in this story? Yes, potter pigeons, racing pigeons, tumbler pigeons and fantail pigeons. Who told Ruffles to take no notice of others? किसने बताया था रफल्स को कि दूसरे कबूतरों का ध्यान नहीं देना या उनकी तरफ तवज्जो नहीं देनी? यस, हिज मदर। दीज आर क्वेश्चन 5 and 6। नाउ कम टू द क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वर मदर एंड रफल सिटिंग? मदर और रफल कहाँ बैठे हुए थे? क्वेश्चन नंबर 8,
What kind of birds are kept as pets? किस किस्म के birds pets के तौर पर रखे जाते हैं या पालतू परिंदों के तौर पर रखे जाते हैं या जानवरों के तौर पर? Birds की बात की जा रही है, आपने सिर्फ birds बताने, animals नहीं बताने। किस किस्म के birds, यहाँ पे हम आप pets के नाम लिख देंगे, कोई pets हैं, parrot हैं, pigeons हैं, कुछ भी लिख देंगे यहाँ पे। Which is important kind of pigeon in your opinion? Opinion कहते हैं अपनी राय में, आप अपनी राय में बताएं कि आपको कौन से किस्म के pigeon जो है ना वो important लगते हैं, ज़्यादा अहम लगते हैं, ज़्यादा ज़रूरी लगते हैं। Now this is your homework. We have done today question 5 to 9, word meanings, dictation words and also word sentences. You will do your work very neatly in your copies with proper formation of the letters, with proper Kelly rules. Okay, students, that's all for today's lecture. Allah Hafiz. A message from teacher. Please read carefully. Dear students, please note your dairy work. Thanks for watching. Take care.